नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम का आगाज हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया है। इस सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा मन भाव विभोर है, 3 दिन तक आपका साथ रहा। सचमुच में इंदौर ने तैयारियां वैसी की जैसी बेटी की शादी के लिए करते हैं। 3 दिन आनंद, उत्सव और उमंग के रहे हैं। तीन दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के, 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइज एज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6% है। और आज फूड बास्केट है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम वीट, मध्यप्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जाते जाते मध्यप्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। मध्यप्रदेश को भूलना मत, भूलेंगे तो नहीं ना। एक तो निवेश मैं जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों, कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए, आप खुद भी निवेश कीजिए और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। की भागीदारी और आपकी साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। और इसी दृश्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और विचारधारा के साथ और विदेश नीति जयशंकर जी के साथ सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के से साथ बनाकर हमारे प्रवासी भारतीयों को एक नया सम्मान का स्थान बनाने का संकल्प लिया है। और इसी के फलस्वरूप चाहे यूके में हम देखें, पिछले बार जब बैठक हुई थी हर साल ये तय किया गया कि 3000 भारत के हमारे विद्यार्थियों को वर्क वीजा यूके में दिया जाएगा। जब पहले बार कोविड आया, वैश्विक महामारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाड़ी देशों के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को फोन करके हमारे सारे प्रवासी भारतीयों को उस क्षेत्र में उनका हालत और उनकी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाई। और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के आधार पर 23,000 प्रवासी हमारे स्टूडेंट्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगठित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया। वासुदेव कुटुंबक की सोच, पूरा विश्व एक परिवार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी,
आज भारत पांचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।